issue that should be articulated is AI is kind of a fancy thing. It's, first of all, it's two letters. AI world काफी तेजी से चेंज हो रहा है. Do you imagine a world where Apple competes with Google and OpenAI? AI tech giant Meta has now introduced a generative artificial intelligence model called Camille. और ये कब किस इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दे, we never know. But at the same time, it can be very harmful deployed wrongly. और इसका सॉल्यूशन ये है कि हम AI वर्ल्ड के अपडेट्स से अप टू डेट रहें. दैट इज व्हाई मैं ये सीरीज लेके आ गया हूँ, जिसमें हम हर वीक पिछले 7 दिन में जो भी AI वर्ल्ड में अपडेट आए हैं, हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे. सो AI न्यूज वीक 1, लेट्स गो. सो द अपडेट नंबर 1 इज फ्रॉम मेटा. मेटा ने रिसेंटली लॉन्च कर दिया अपना टेक्स्ट टू इमेज प्लेटफॉर्म, जस्ट लाइक मिड जर्नी एंड डाली. तो यार जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में. इनका कहना है कि ये लोगों ने वो सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं जो कि हम अभी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू इमेज प्लेटफॉर्म्स में फेस कर रहे थे, जैसे मिड जर्नी एंड डाली. सो लेट्स नो अबाउट देयर फीचर्स. पहला तो है टेक्स्ट गाइडेड इमेज जनरेशन एंड एडिटिंग, दिस इज समथिंग न्यू. फिर इन्होंने नीचे मेंशन किया है टेक्स्ट टू इमेज एंड स्पेसिफिकली दिखाया है हाथ का इमेज, बिकॉज दिस वॉज द प्रॉब्लम वी वर कंटिन्यूसली फेसिंग इन मिड जर्नी, कि हम एक हैंड कहीं भी इंक्लूड करते थे हमारे इमेज में तो एक हाथ के उंगलियों को 5 दिखाने के जगह 7-8 कभी कभी 4 भी दिखा देता था. तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली वो चीज़ दिखाने की कोशिश की है. दूसरा, इन्होंने स्पेसिफिकली दिखाया है कि वी आर गुड विथ टेक्स्ट, जो कि अगेन अदर AI टूल्स में ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि जब भी हम टेक्स्चुअल कुछ ग्राफिक या इमेज बनाने की कोशिश करते थे तो इट वॉजंट एबल टू पुल दैट पर्टिकुलर थिंग. फिर नीचे आते हैं टेक्स्ट गाइडेड इमेज एडिटिंग, मतलब आप एक इमेज को जब भी पुट करेंगे इस प्लेटफॉर्म में, इट कैन एडिट इन अ वे दैट यू कैन चेंज द एज, यू कैन चेंज द जेंडर. अगर आपको मेरे फेस में ये स्पेक्स निकाल के सनग्लासेस लगानी है तो वो भी हो सकता है, एंड सो ऑन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. देन आया न्यूज फीचर टेक्स्ट टास्क, मीन्स दिस कैन टेल यू वॉट दिस इमेज इज ऑल अबाउट. मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे मॉडल जनरेशन पे, इन दिस इमेज देर इज अ डॉग होल्डिंग अ स्टिक इन इट्स माउथ, ब्ला 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 ब्ला. सो इट इज एक्सप्लेनिंग द होल सिनेरियो ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज. बेसिकली मुझे लगता है कि ये एक AI मॉडल को काफी हेल्प करेगा टू मेक इट बेटर इन इट्स विथ लर्निंग. देन देर इज स्ट्रक्चर गाइडेड इमेज एडिटिंग. देन देर इज वन मोर थिंग, दैट इज ऑब्जेक्ट टू इमेज. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइज. You can literally put anything in between. For example, generate high quality image, a room that has a sink and a mirror in it with a bottle at a location of dot dot dot. So you can actually put the location where you want to keep certain things. And मुझे लगता है कि this will be very beneficial for interior designers to literally create everything and see कि कहाँ पे क्या अच्छा लगेगा. I think ऐसे tools already interior designers के पास होंगे, but ये काफी fast होगा in comparison to that. Then there is segmentation to image. Then they are claiming super resolution results. To be honest, the images it is creating is very decent and competitive to have boss. Then in the bottom they have explained about their model, which model they are using for chameleon. यार एक तो spelling इनकी बड़ी weird है, chameleon. एकदम Gen Z spelling है मतलब. One more thing to mention here is जो mid journey और DALL-E और any other image generation tool में जो model use हो रहे थे, that is diffusion model, it is not being used here. They are using completely different model, that is autoregressive model. अगर आपको इन different models के बारे में जानना है तो do let me know in the comments. I will definitely make a video about it. तो next अपडेट है हमारे फेवरेट ब्रांड की तरफ से, दैट इज एप्पल. दैट इज एप्पल इज टेस्टिंग अ चैट जीपीटी लाइक AI बॉट. हम सब देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक एंड सो ऑन आर एंटरिंग टू द AI वर्ल्ड, बट एक ब्रांड अभी भी चुप था, दैट इज एप्पल. बट ये भी आ गया है जनरेटिव AI वर्ल्ड में. बेसिकली दे आर एंटरिंग जनरेटिव AI मार्केट, और बोला जा रहा है कि दे आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट विथ सीरी एंड अदर AI थिंग्स दैट दे हैव टू मेक द ओवरऑल एप्पल इकोसिस्टम बेटर एंड एफिशिएंट. एंड दे आर एक्टिवली हायरिंग न्यू AI एक्सपर्ट्स. एंड द रिपोर्ट ऑल्सो सेज दैट दे आर गोइंग टू बिल्ड समथिंग लाइक चैट जीपीटी फॉर ओनली एप्पल यूजर्स. बट दिस थिंग ओनली टाइम विल टेल. वी विल मूव on to our third update. तो भाई थर्ड अपडेट है हमारे फेवरेट टूल चैट जीपीटी से, एंड दे हैव अपडेटेड टू थिंग्स इन देयर प्लेटफॉर्म. नंबर वन इज, एज यू कैन सी, चैट जीपीटी 4 करंटली हैज अ कैप ऑफ 50 मैसेजेस एवरी 3 आवर्स. मतलब इससे पहले दे यूज टू गिव ओनली 25 मैसेजेस, सो दैट इज
एन अपडेट, जो कि उन्होंने डबल कर दिया है मैसेजेस का नंबर। सेकंड चीज को आपको दिखाता हूं मैं। इफ यू विल गो टू सेटिंग्स एंड बीटा फीचर्स, नाउ यू कैन सी कस्टम इंस्ट्रक्शंस। मैं ऑन करूंगा इस चीज को एंड यू विल गो बैक एंड सेट योर कस्टम इंस्ट्रक्शंस। यहां पे आई विल क्लिक ओके, कस्टमर शेयरिंग एनीथिंग यू लाइक टू चैट जीपीटी टू कंसिडर इन इट्स रेस्पॉन्स द ओके, वट वुड यू लाइक चैट जीपीटी नो अबाउट यू टू प्रोवाइड बेटर रेस्पॉन्स। सेकेंड क्वेश्चन इट इज आस्किंग हाउ वुड यू लाइक चैट जीपीटी टू रेस्पॉन्ड। बेसिकली ये क्या कर रहा है, आपके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है जिसके आंसर से इट विल जनरेट अ परसोना ऑफ यू एंड इट विल गिव रेस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। आप ये कंसिडर कर सकते हो कि चैट जीपीटी इज गेटिंग योर डेटा एंड फ्रॉम दैट डेटा इट विल जनरेट रेस्पॉन्स। अगर आप किसी वेदर के बारे में कभी भी आप पूछेंगे तो इट विल ट्राई टू गेट द वेदर ऑफ रायपुर ओनली, मतलब मैं रायपुर में हूँ इसलिए बता रहा हूँ। दैट्स वाई इट इज आस्किंग वेयर आर यू बेस्ड, वॉट यू वर्क, हॉबीज, सब्जेक्ट्स दैट यू कैन टॉक अबाउट, गोल्स एंड एवरीथिंग। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू चेक दिस आउट इफ यू हैव अ प्लस सब्सक्रिप्शन। नाउ मूविंग अहेड टू अवर फोर्थ अपडेट ऑफ AI वर्ल्ड, दैट इज फ्रॉम विक्स। खाने वाला विक्स नहीं, वेबसाइट बनाने वाला विक्स। बेसिकली अब विक्स ने अपने प्लेटफॉर्म में AI इंटीग्रेट कर दिया है जिसके मदद से आप विद प्रॉम्प्ट AI वेबसाइट्स बना सकते हैं। AI वेबसाइट्स क्यों, वेबसाइट्स बना सकते हैं बेसिकली विद इन विक्स प्लेटफॉर्म। अगर आपने framer.ai के बारे में सुना होगा तो आप जानते होंगे कि आप अब वेबसाइट AI की मदद से बना सकते हैं और एट द सेम टाइम डिप्लॉय भी कर सकते हैं, जो कि सेम चीज विक्स भी कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे। देखने वाली बात यह होगी कि ये कब इट इज गोना लॉन्च। और यार वेबसाइट्स के डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। दे हैव टेकन रेफरेंस ऑफ फिटनेस एक्सपर्ट, जो कि मुझे काफी क्लासी वेबसाइट लग रहा है। बट ये तो टाइम ही बताएगा कि किस तरीके का वेबसाइट हम विक्स से बना सकते हैं। बट मीनवाइल इफ यू वांट टू टेस्ट AI वेबसाइट बिल्डर, यू कैन डेफिनेटली चेक framer.ai। एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो विक्स AI के बारे में है वो कि आप एक एक सेक्शन में जाके उसके इमेज चेंज कर सकते हो, उसका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। सो इट इज गोइंग रियली इन डिटेल। दैट इज वन थिंग विच विल बी रियली हेल्पफुल फॉर पीपल लाइक अस। आई एम नॉट अ वेबसाइट बिल्डिंग एक्सपर्ट, सो ये चीज मुझे काफी हेल्प करेगी। मूविंग अहेड टू द लास्ट अपडेट ऑफ द AI वर्ल्ड, दैट इज अगेन फ्रॉम मेटा, बट दिस टाइम विद Microsoft. As you can see, Meta and Microsoft introduced the next generation of Llama. Basically, Llama, you can consider it's an LLM, large language model, just like ChatGPT. But एक चीज यहाँ पे confusing ये है कि Meta और Microsoft मिलके एक LLM बना रहे हैं, which are they are claiming that it will be better than all the LLMs out there. एट द सेम टाइम माइक्रोसॉफ्ट ने $10 billion ओपन AI पे इन्वेस्ट किया है। ओपन AI सेम कंपनी है जो चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में। सो इट इज कंफ्यूजिंग एट द सेम टाइम एंड दे आर क्लेमिंग दैट Llama इज फ्री फॉर रिसर्च एंड कमर्शियल यूज। करंटली वी आर ओपनिंग एक्सेस टू Llama विद द सपोर्ट ऑफ अ ब्रॉड सेट ऑफ कंपनीज एंड पीपल अक्रॉस टेक, अकेडमिया एंड पॉलिसी, एंड दे आर क्लेमिंग इट इज ओपन सोर्स, सो एवरीबडी कैन यूज इट फॉर फ्री। एंड टू यूज Llama आपको आना है हगिंग फेस में और मॉडल चूज करना है Llama 270B चैटबॉट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है टू यूज Llama, सो यू डेफिनेटली चेक इट आउट। लेट्स टेस्ट समथिंग आउट हियर। वाई यू आर ओके, टेल मी 5 points वाई यू आर बेटर फ्रॉम ChatGPT। देखते हैं क्या बोलते हैं। I'm glad you asked 5 points. Contextual understanding, safety and ethics. Okay. Personalized interaction. I asked for 5 points. It has given me only 4. So, ChatGPT 1, Llama 0. अभी इसका रिस्पॉन्स देखने के बाद आई कैन डेफिनेटली से कि इट इज नॉट इवन क्लोज टू ChatGPT, बट यू नेवर नो अबाउट द फ्यूचर बिकॉज AI वर्ल्ड बोल्ट से भी ज्यादा फास्ट भाग रहा है, तो आप कुछ बोल नहीं सकते। सो दीज वर दी 5 updates जो कि आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल